हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बीज की इस खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हो, जानते हैं आज की देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश और दुनिया की ताजा और मोदी सरकार से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसे जानना हर एक भारतीय नागरिक को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही अगर खबरों की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो तो यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से सोने और चांदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और उसी के साथ में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है, जिसका हर एक आम आदमी पर असर पड़ने वाला है। तो चलिए इन सारी खबरों को एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए। चलिए तो हमारी पहली बड़ी खबर है कि प्याज की कीमत 120 रुपए के पार, सस्ता करने के लिए सरकार जल्द देगी 300 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लगातार उठाए जा रहे कई कदमों के बावजूद प्याज की कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही। वही देश के कई हिस्सों में अब प्याज के दाम 120 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार कीमतों को थमाने के लिए MMTC को 300 करोड़ रुपए देने जा रही है, और इस पैसे से सरकारी कंपनी यानी कि MMTC विदेशों से प्याज खरीदेगी। वही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने कहा है कि प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत ही जल्द गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी। मैं आपको बता दें कि इसके पहले भी कई सारी बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में 5 मंत्रियों की कमेटी बनी थी, जिसकी दूसरी मीटिंग जल्द होने वाली है। मैं आपको बता दें कि शुक्रवार को कई मीडिया रिपोर्टर ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज का भाव सेब से दोगुना दाम में बिक रहा है। वही भारत सरकार दूसरे देशों से प्याज मांगने की कोशिश कर रही है। सरकारी कंपनी MMTC ने मिस्र से प्याज खरीदने के लिए समझौता किया है, और मिस्र से 6000 टन प्याज की खेप अगले महीने देश में आने वाली है। इसके अलावा कारोबारियों ने अफगानिस्तान से भी प्याज मंगवाए है। वही देश के बड़े महानगरों में यानी कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में प्याज के दाम 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के पार चल रही है। वही कारोबारियों का कहना है कि अगर मंडियों में प्याज की सप्लाई नहीं बढ़ती है तो कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए तो अगली खबर है कि 10,000 से ज्यादा दवाएं होगी सस्ती, दवा कंपनियों ने लिया यह बड़ा फैसला। जी हां, देश में बिकने वाली सभी गैर अनुसूचित दवाओं पर 30% का ट्रेड मार्जिन लागू करने को लेकर सरकार और फार्मा कंपनियों के बीच सहमति बन गई है। हाल ही में हुई एक बैठक में दवा कंपनियों ने सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है, और अब इस फैसले से 10,000 से ज्यादा दवाओं की कीमत में कमी देखने को मिलेगी। वही माना जा रहा है कि इस कदम से बाजार में उपलब्ध 80% दवाओं के दाम में कमी आएगी। मंत्रालय के तर्क था कि किसी भी कारोबार के लिए 30% का लाभ अच्छा माना जाता है, ऐसे में सभी दवाओं का प्रॉफिट मार्जिन की अधिकतम सीमा 30% ही रखा जाएगा। यानी कि अब सभी दवाओं के प्रॉफिट का मार्जिन जो होता है वो 30% रखा जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल फरवरी महीने में सरकार ने कैंसर की 42 गैर अनुसूचित दवाओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन को 30% पर सीमित कर दिया था। इस फैसले से 70 से ज्यादा फॉर्मुलेशन के 355 दवाओं के ब्रांड की कीमत नियंत्रित हो गई थी, और इन दवाओं की कीमत में 80% तक की कमी देखने को मिली थी। चलिए तो इसी के साथ में अगली बड़ी खबर के रोजाना 9 घंटे सोने के लिए बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी देगी 1,00,000 रुपए मांगे आवेदन। जी हाँ, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, और ऐसे में आपको कोई ऐसी नौकरी दे जिसमें सिर्फ आपको सोने के पैसे मिले यानी कि सैलरी मिले तो कैसा रहेगा। और इतना ही नहीं बल्कि सैलरी में 1,00,000 रुपए मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ, देश की IT हब यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है जो आपको नींद के बदले में 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार है। वही इस कंपनी का नाम wakefit.co है, और इस प्रोग्राम का नाम wakefit स्लीप इंटर्नशिप दिया गया है। इसमें चुने गए कुछ कैंडिडेट को लगातार 100 दिनों तक हर रोज 9 घंटे की नींद लेनी होगी। वही कंपनी ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे है। कंपनी की ओर से जिन आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें अपनी एक वीडियो बनाकर भेजनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि उन्हें कितनी अच्छी नींद आती है। वही सिलेक्ट उम्मीदवारों को कंपनी के गद्दे पर सोएंगे। इसके साथ ही में वे स्लीप ट्रैकर और विशेषज्ञों के साथ काउंसलिंग सेंसर में भाग भी लेंगे। वही कंपनी का कहना है कि एक स्लीप सॉल्यूशन कंपनी के तौर पर हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर नींद के लिए प्रेरित करना है। भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद दुर्भाग्य से एक आम दुर्घटना बन चुकी है। वहीं उनका कहना है कि हम इसमें देश के उन लोगों की भर्ती करना चाहते हैं
जो अपनी जिंदगी में नींद को प्राथमिकता देने के लिए किसी भी हद तक जा चुकी है। इसी के साथ मैं आपको बता दे कि अब तक अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा अपने स्पेस स्टडी प्रोग्राम के तहत 2 महीने सोने के लिए 14 लाख दे चुकी है। चले तो इसी के साथ में अगली खबर है कि खुशखबरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस से मिलेगी 100% की छूट। जी हाँ, अगर आप भी कार खरीदने वाले और वो भी इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी निकल कर आ रही है। वही आपको बता दे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले शुरुआत के 1 लाख खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। वही पंजीकरण की यह शुल्क 2 पहिया वाहनों के लिए 100% होगी। वही 4 पहिया वाहन चालकों के लिए 50% की छूट मिल सकेगी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 50% का जो है पंजीकरण में छूट मिलेगी। चले तो इसी के साथ में अगली बड़ी खबर है कि 1 दिसंबर से ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर, मोबाइल टैरिफ समेत 4 चीजें होगी महंगी। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2019 में कई सारे बदलाव होने वाले, उसी के साथ में कई सारे नियम भी लागू होंगे। तो ऐसे में अगर आप भी भारतीय नागरिक हो तो आपके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है, और नहीं बल्कि इसका असर आम लोगों के साथ ही बैंक ग्राहक और कारोबारियों पर भी पड़ने वाला है। दरअसल दिसंबर से कई सारे फाइनेंशियल चेंजेस होने वाले हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें पहला बड़ा बदलाव है कि महंगे हो गए टैरिफ प्लान। जी हां दोस्तों, इस साल के आखिरी महीने की 1 तारीख से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। 1 दिसंबर से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए कॉलिंग के साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ प्लान के दाम में बढ़ाने की तैयारी कर ली है। वही टेलीकॉम कंपनियां यानी कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल इसको लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है। वही टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का कहना है कि 14 साल पुराने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर देनदारी का दबाव बढ़ चुका है, इसीलिए कंपनियों ने टैरिफ प्लान के रेट में बढ़ाने की तैयारी कर ली है। चलिए तो इसी के साथ में अगला बड़ा बदलाव है कि लाइफ इंश्योरेंस के नियमों में होगा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कई नियमों में बदलाव होने वाला है, इसीलिए अगर आप भी नई पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। वही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA ने 1 दिसंबर को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के नए नियम लागू करने जा रही है। यानी कि 1 दिसंबर 2019 के बाद लाइफ इंश्योरेंस के जो नियम थे वो बदल जाएंगे। इसी के साथ में अगला बड़ा बदलाव है कि 6,000 रुपए पाने के लिए आधार लिंक कराना जरूरी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने PM किसान सम्मान निधि स्कीम की किस्त पाने के लिए आधार नंबर को लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की थी। यानी कि अगर किसी ने भी इसे लिंक करवाने में देरी कर दी तो उसके खाते में 6,000 रुपए नहीं आएंगे। चले तो इसी के साथ में बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, खरीदारों पर पड़ेगा यह असर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़े काम की खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सोने और चांदी को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। जी हाँ, सरकार 15 जनवरी 2020 से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने जा रही है। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्री यानी कि रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से गोल्ड की ज्वेलरी और कलाकृति के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है और इसे 15 जनवरी 2020 से अनिवार्य कर देगी। उसी के साथ में ज्वेलर्स को बिना हॉलमार्क वाले अपने पुराने स्टॉक को बेचने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी। चले तो इसी के साथ में अगली खबर है कि तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता राधा रवि ने थामा BJP का हाथ। जी हां दोस्तों, आजकल तमिल फिल्में काफी मशहूर है और ऐसे में आप TV के मशहूर अभिनेता यानी कि राधा रवि को जानते होंगे। आपको बता दें कि राधा रवि BJP में शामिल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि BJP ज्वाइन करने से पहले राधा रवि DMK के सदस्य भी रह चुके हैं। चलिए तो अगली खबर है कि सोना हुआ महंगा, चांदी की भी चमक बढ़ी, जानिए क्या हो गए भाव। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो सोने की कीमत में शुक्रवार को बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सोने के भाव में 140 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 38,690 रुपए पर आ चुकी है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी बढ़ावा देखने को मिला है। चांदी का भाव 108 रुपए की तेजी के साथ 45,370 रुपए पर आ चुका है। वहीं अगर बात करें भारत के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों के बारे में तो यहाँ पर आप चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद,
अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मुदेर, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहां पर आकर देख सकते हो, है ना। तो ये थी आज की हमारी ताजा और काम की बड़ी खबरें। वहीं अगर बात करें आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न के बारे में, तो आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करना है। वहीं आपको बता दें कि सही जवाब देने वाले विजेताओं को दिया जाएगा गोल्डन बीज की ओर से ₹1000 का पेटीएम कैश, है ना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।